तो यहाँ पे मैं गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो चले अभी हम लोग निकल गए हैं लेक तहों से और रास्ते में हम लोग जाने वाले हैं बीच पे। लेकिन ये जो दिख रहा है वो है लेक तहो और कितना सुंदर और प्यारा दिख रहा है। लगता है कि सब कुछ यहाँ पर ही है। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए हैं बीच पे और यहाँ पे आपको रास्ते में भी स्नो दिख रहा होगा और यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं हुआ है स्नो, लेकिन आई होप अब सनी डे आ रहा है तो सब क्लीन हो जाएगा। लेकिन चलिए हम पहले चलते हैं बीच पे। और ये आप लोग आवाज़ सुन रहे हैं ना, जो स्नो में चलने की आवाज़ है, मुझे तो बहुत ही प्यारी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और देखो यहाँ पे दोनों कैसे एंजॉय कर रहे हैं, और स्नो में तो हर कोई एंजॉय करता है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना स्नो में। सो ये है बीच और यहाँ तक ही जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि स्नो है और रास्ता भी क्लियर नहीं है। तो हमने सोचा कि आगे नहीं जाना चाहिए। सो ओके दिस इज द बीच। हे कम ऑन। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है, अच्छे से एकदम बढ़िया खाना खा लिया है। तो अभी हमने सोचा कि हम अब चलते हैं और आई होप कि हमको ट्रैफिक ना मिले और अच्छे से हम लोग घर पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स, और बाय बाय लेक तहो, फिर मिलेंगे। कुछ दिनों के बाद अगर आप बाहर से ट्रिप करके अगर घर पहुंच जाए तो कुछ अलग ही लगता है और बहुत ही घर प्यारा प्यारा लगता है। वैसा ही आज मुझे लग रहा है और फील भी हो रहा है कि आज मैं अपने घर में वापस आ गई हूँ और फिर से मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बहुत ही खुश हूँ मैं अभी और दिखाती हूँ कि बाहर का नज़ारा कितना मस्त है और बहुत ही पीसफुल एटमोसफियर है और यहाँ पर मेरा ट्री कैसे है, सब कुछ बढ़िया है और बाहर भी बहुत ही सुंदर है। अभी सन आ गया है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी 8:30 बज गए हैं और मैं अभी रेडी हो गई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले अपने भगवान को प्रार्थना कर लेती हूँ और दिया जला लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी भगवान को हमने दिया जला दिया है और चलिए अभी किचन में आ जाते हैं और आज खाने में क्या बनेगा। और ये देखो छोटू आ गया। सो अभी हम आ गए हैं किचन में और आज बनाने का मन है पोहा, क्योंकि आज मुझे और नक्श को दोनों को ही खाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि पोहा बना दूँ और पोहा मेरा फेवरेट है ब्रेकफास्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी पोहा बना लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो अभी मेरा पोहा बन के रेडी हो गया है और जिस जिस को खाना है वो सब लोग आ जाए पोहा खाने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी 11:30 हो गई है और अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ। लेकिन आज सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ रायता, क्योंकि मुझे बहुत ही मन हुआ है रायता खाने। उसके साथ रहेगा सब्जी, रोटी, दाल, चावल और सलाद। लेकिन सबसे पहले मैं रायता बना लेती हूँ। तो चलिए आज आप लोगों को भी थोड़ा बहुत रेसिपी दे देती हूँ कि मैं कैसे रायता बनाती हूँ। तो रायता बनाने में मैंने यहाँ पे दही लिया है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है और यही सारी चीज़ें, ये है बूंदी, ये पुदीना, थोड़ी सी मिर्ची, ये बहुत ही स्पाइसी वाली है, और ये ऑनियन और ये है धनिया। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी इसमें डाल दूँगी। सो अभी मेरा रायता बन के रेडी हो गया है और इसमें से पुदीना की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना ये रायता। अगर खाने में ऐसा रायता हो ना तो आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन मैं सब्जी बनाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत रहती, लेकिन दूसरे जो लोग हैं उस सबको
सब्जी चाहिए, इसलिए अभी मैं बना रही हूँ सब्जी रोटी दाल चावल। और अभी मैं बना रही हूँ टिंडोरा की सब्जी, लेकिन मुझे ये सब्जी बहुत ही पसंद है तो मैंने इसको वॉश कर दी है। बस ये सब छील के निकालना है, उसके बाद इसको कट करके सब्जी बना देती हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी सब्जी दाल चावल रायता और सब कुछ रेडी हो गया है। अभी बाकी है तो सिर्फ रोटी बाकी है, और मैं दिखाती हूँ कि आज सब्जी बहुत ही अच्छी बनी है। ओके, फाइनली मेरा पार्सल आ गया है। 15 दिन पहले इसका ऑर्डर दिया था, तो आज मेरा पार्सल आया है इंडिया से, और देखते हैं इसमें क्या आया है। So let me try. My God. सो हेलो फ्रेंड्स, अभी खाना पीना खा के तो हम लोग फ्री हो चुके हैं और 3 बज गए हैं, और नक्श को मैंने रूम में सुला दिया है। तो लेकिन और भी एक काम अभी पेंडिंग में है, और वो है कपड़े, क्योंकि अभी मुझे कपड़े वॉश करने के लिए जाना पड़ेगा लॉन्ड्री रूम, और आज बहुत सारे कपड़े हैं जैसे कि चादर है, टॉवल है, वो सब है। तो चलिए आज हम जाते हैं लॉन्ड्री रूम में और कपड़े वॉश करके। तो यहाँ पर मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और यहाँ पे वॉश शुरू होगा, और भी ये वाला लिक्विड यूज़ करती हूँ कपड़ा वॉश करने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी कपड़े तो मैंने वॉशर में डाल दिए हैं, और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे नीचे पार्क में थोड़ा सा वॉक करने के लिए, क्योंकि अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा है और धूप अच्छी है। तो मैंने सोचा कि 2-3 मिनट वहाँ पे अच्छे से वॉक करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए, और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं वो सब। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो जगह है, यहाँ पे लोग पार्टी करने के लिए आ जाते हैं, यहाँ पे लोग बैठते हैं अपने फैमिली या फिर अपने रिलेटिव्स या अपने कोई भी फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे जो भी कुछ चीज़ पकानी होती है यहाँ पे पकाते हैं, और इसमें डालते हैं कॉल्स, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं ना कॉल्स, वही इधर लगाते हैं, फिर यहाँ पर अपनी जो भी सेकने की चीज़ें वो रख देते हैं, और यहाँ पर जला के फिर वो लोग अपनी पार्टी इन्जॉय करते हैं, और सब लोग यहाँ पर बैठ के अपना खाना पीना जो भी होता है वो सब यहाँ पर होता है। तो बढ़िया सा माहौल बना के लोग इधर पार्टी करने के लिए आते हैं, जब सैटरडे संडे हो तब, जब भी आपके जब भी कोई भी मतलब रीज़न हो, जैसे बर्थडे हो या फिर कोई भी सेलिब्रेशन करना है, तब लोग यहाँ पे आ जाते हैं पार्टी। तो चलिए अभी आगे और भी चीज़ें हैं वो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन अभी मेरा लिक्विड यहाँ पे है, तो मैं सोच रही हूँ कि कोई भी आएगा और उठा के ले जाएगा, इससे अच्छा है कि मैं अपना लिक्विड पहले घर में रख के आती हूँ। जो आपके दिख रही है वो सामने सब बिल्डिंगे है, और वहाँ पे सब लोग रहते हैं, लेकिन आज कोई नहीं दिखेगा क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए, क्योंकि आज है संडे। और जो सामने दिख रहा है वो भी बिल्डिंग है, जो ये यूसी विलेज है ना, वो बहुत ही बड़ा विलेज है, इसमें सब लोग बहुत सारे लोग रहते हैं। और ये जो आपको सामने छोटा वाला दिख रहा है वो है हमारा डस्टबिन, इसमें हम सब लोग कचरा डालने के लिए आ जाते हैं। और ये आपको जो दिख रहा है सामने वो है बड़ा वाला रोड, वहाँ से मतलब बहुत सारी बसेस, बहुत सारी कार, वो सब आते रहते हैं, कोई भी डिलीवरी मैन हो वो सब। और जो आपको सामने वो दिख रहा है वो है बस स्टैंड, वहाँ पर 52 बस आती है, और वो आपको यहाँ से ले कर
यूनिवर्सिटी ले जाएगी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में, वहाँ तक वो आपको छोड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं वो सब इधर आ जाते हैं सुबह में जब भी उसका टाइम हो जाने का, और यहाँ पे वो बस के बैठ के चले जाते हैं। और वो जो पीछे दिख रहा है वो है गेस्ट पार्किंग, क्योंकि जो किसी के घर में जो कोई भी गेस्ट आया है तो वहाँ पर वो लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं। तो ऐसा है, और जो आसपास में थोड़ा बहुत छोटा मोटा पार्क होगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे पार्क बहुत ही ज़्यादा होता है। पीछे दिख रहा है वो है लॉन्ड्री रूम, तो मैंने अभी वहाँ पे कपड़े डाले हैं वॉश करने के लिए, और अभी मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा आ रही है ना तो थोड़ी ठंड लग रही है, और मैंने आज स्वेटर भी नहीं पहना है। हेलो फ्रेंड्स, अभी एंडिंग करने का टाइम आ गया है, तो मैंने सोचा कि सबको भी गुड नाइट बोल देते हैं, और अभी ब्लॉग भी अपलोड करना है तो बहुत सारा काम है अभी पेंडिंग में, तो मैंने सोचा कि अभी सबसे पहले मैं आपको गुड नाइट बोल देती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, सबको गुड नाइट, एंड हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड गुड नाइट।